हेलो दोस्तों, तो ये है जो आपके सामने इंट्रा पिकअप का V10 मॉडल। तो आज इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब इसमें आपको न्यू चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे BS6 फेज 2 का इंजन है वो सारे मॉडल्स में अवेलेबल है, तो इसमें भी आपको चेंजेस मिलने वाले हैं। तो उसी के साथ इंजन का तो चेंज है ही है, उसके साथ जो मेन चेंजेस हैं वो हैं फीचर्स को लेकर। अब इसमें आपको दोस्तों कई सारे न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे। पहले से इसको बेहतर बना दिया गया है। पहले जो मेन मोटिव होता था इसको मार्केट में उतारने का, वो यही होता था कि कैसे हम जो इसकी सेल्स है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन अब जो न्यू वेरिएंट आप ये वाला देख रहे हैं, ये मेन फोकस करा गया है ड्राइवर के ऊपर कि ड्राइवर कैसे इससे अच्छा फ़ायदा उठा सकता है और कैसे इसे मोर प्रॉफिट बना सकता है, मतलब आप कैसे इसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि अब दोस्तों आपको इसमें काफ़ी अच्छी माइलेज मिलने वाली है। उसी के साथ जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, मतलब अब आप लॉन्ग राइड तक इजीली इसको चला सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जैसे पहले आप बीच में रुक जाते थे, थोड़ी देर चला के थक जाते थे, लेकिन अब जो इसका इंटीरियर पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, अब आप कोई भी आपको थकावट देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रा पिकअप की बैजिंग और यहाँ V10 की बैजिंग आप यहाँ देख सकते हैं। अगर बात करें उसके हेडलैम्प सेटअप की, तो यहाँ पर आपको हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प मिलने वाले हैं और इंडिकेटर भी हेलोजन होने वाले हैं। तो यहाँ से आप इसकी पूरी लुक्स देख सकते हैं फ्रंट से। फ्रंट से काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका डिज़ाइन। आपको इसमें कोई भी फोग लैंप्स देखने को नहीं मिलेंगे, आप बाद में लगवा सकते हैं। तो चलते हैं इसके मेन इंटीरियर में, जो इसका सबसे ज़्यादा मेन चेंजेस हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके कैबिन में। तो यहाँ पर आप इसका कैबिन देख सकते हैं, जो डोर हैंडल हैं बॉडी कलर में मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों इसका कैबिन देख सकते हैं, आपको इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी पार्किंग एरिया में गाड़ी को लगाते थे तो ड्राइवर साइड से उतरने वाली तरफ आपको दिक्कत देखने को मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर वॉकिंग कैबिन बन चुका है तो आप इजीली दूसरी तरफ से भी उतर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आपको यहाँ स्पेस देखने को मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप उस तरफ से भी इजीली उतर सकते हैं, अगर यहाँ पर टाइट पार्किंग है तो। तो ये आपको पहला चेंज देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट चेंज है वो है माइलेज को लेकर। अब इसमें आपको काफ़ी अच्छी माइलेज देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो BS6 फेज 2 का इंजन डाला गया है उससे जो इसकी माइलेज है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, तो जिससे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो अब दोस्तों आप इसका स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, आपको इसमें पावर स्टीयरिंग देखने को मिलने वाली है। देख सकते हैं कितना स्मूथ इसका स्टीयरिंग व्हील को बना दिया गया है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा स्मूथ स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग राइड पे इसको लेकर जाते हैं तो कोई भी आपको थकावट देखने को नहीं मिलेगी। टाटा की तरफ से दोस्तों पहली बार हो रहा है आपको इतनी स्मूथ स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। और बाकी अगर इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर भी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं एसी वेंट्स इस मॉडल में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो नेक्स्ट चेंज है वो है इसके गियर शिफ्टर को लेकर। अब इसमें आपको काफ़ी स्मूथ गियर शिफ्टर देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा स्मूथ आपको गियर शिफ्टर देखने को मिल रहा है, कोई भी इसमें आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसमें गियर शिफ्टर को काफ़ी अच्छा स्मूथ बना दिया गया है। कि अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आप सीटिंग कैपेसिटी इसकी देख सकते हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा था कि आप यहाँ अगर यहाँ पर बैठे हैं, आप उस तरफ से उतरना चाहते हैं, तो अब मैं आपको यहाँ से जाके भी दिखा देता हूँ कितना ये प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इजीली यहाँ से निकलकर दूसरी तरफ जा सकते हैं, यहाँ से इजीली उतर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये आपको कई सारे इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी आप यहाँ से इसका इंटीरियर देख सकते हैं, सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और उस तरफ जो ड्राइवर साइड है वो भी जो इसकी मेन सीट है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर कुशनिंग देखने को मिल जाती है, तो आपको उसमें भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। स्मूथ अच्छी आपको फैब्रिक इसमें सीट्स दी गई हैं और हेडरेस्ट इसमें फिक्स्ड होने वाला है। तो हेडरेस्ट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको इसमें हेडरेस्ट भी मिलने वाला है। बाकी ये ऊपर की साइड यहाँ पर आपको यहाँ पर लाइट मिल जाएगी। और अब चलते हैं दोस्तों इसकी बैक साइड पर। तो बैक साइड यहाँ पर इसका जो डेक है वो देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा आपको इसमें डेक देखने को मिल जाता है। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। और अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो यहाँ पर आप इंट्रा पिकअप की बैजिंग देख सकते हैं। इसकी टेल लाइट है वो हेलोजन में ही होने वाली हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका नीचे की साइड आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 1000 किलो से भी ज़्यादा की पेलोड कैपेसिटी दी गई है। यहाँ पर आप इसका डेक देख सकते हैं, काफ़ी वजन दोस्तों ये ले जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये टाटा इंट्रा V10 कैसा लगा? बात करूँ इसके प्राइस की, तो इसका स्टार्टिंग प्राइस है 7,28,000। इसमें आपको AC और नॉन AC वेरियंट दोनों ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये टाटा का इंट्रा V10 कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।